नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि का नाम करंजन है। आयुर्वेद में इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यह बहुत ही गुणकारी औषधि है। यह किन किन रोगों में इस्तेमाल होती है, हम आपको इससे पहले इस पौधे की जानकारी कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप ये करंजन का पेड़ देख रहे हैं, ये जंगलों में होते हैं और इनकी छाया बहुत ठंडी होती है और ये बहुत ही घने होते हैं। करंजन की फली लंबी होती है और इसके लंबे लंबे मोटे बीज होते हैं। इसके बीज में कड़वापन और तेल भी कड़वा ही होता है। इसके बीज नींबू के रस में पीसकर दांत पर लगाने से लाभ होता है। इसके बीजों की चटनी बनाकर खाने से मधुमेह ठीक होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसका प्रयोग सिरका रोग, वायु कफ, कीड़े और कुष्ठ रोग और बवासीर और प्रमेह रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। करंज की फली पक जाने पर तीखी और गर्म और कड़वे और फीका हो जाता है। दोस्तों, हमने आपको करंज के बारे में बताया है, इसको दिखाया, इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह पूरी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनके शरीर पर त्वचा फट जाने के कारण या किसी और वजह से शरीर पर खुजली की परेशानी रहती है, तो आप इसके लिए करंज का तेल लीजिए, उसमें नींबू का रस मिला लीजिए। नींबू का रस मिलाने के बाद शरीर पर अच्छी तरह से मालिश करिए, दिन में 2 बार, सुबह को और शाम को। इससे किसी भी प्रकार की खुजली या शरीर पर तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जो पित्त से बहुत परेशान है, जिन्हें बहुत लंबे समय से पित्त की परेशानी है, आप इसके लिए करंज की छाल लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए। 1/2 चम्मच की मात्रा में आप उसका सुबह को और शाम को पानी के साथ सेवन करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसका रस बना लीजिए, 1/2 कप की मात्रा में सुबह शाम उसका सेवन करिए। इससे पित्त से संबंधित जितनी भी परेशानी है वह पूरी ठीक हो जाती हैं और पित्त की समस्या भी दूर हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके अंडाशय पर सूजन बनी रहती है, दर्द की समस्या है, आप इसके लिए करंज की जड़ को चावल के पानी में अच्छी तरह से घिसकर लेप बना लीजिए। उस लेप को अंडाशयों पर लगाइए और लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत फायदा होता है। इससे सूजन भी दूर हो जाती है और जो दर्द की समस्या है वह भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, जो हमने आपको चावल का पानी बताया है, वह चावल का पानी वह होता है जिसमें हम चावल को पका लेते हैं और वह मांड के तौर पर जो निकलता है उसे हम चावल का पानी कहते हैं। उसी में आपको ये जड़ को घिसना है और इसी का पेस्ट बनाकर लगाना है। अगला उपाय उनके लिए जिनको बहुत लंबे समय से दमे की परेशानी है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आप इसके लिए करंज के बीज लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए, 1/2 कप की मात्रा में आप सुबह को लीजिए और शाम को लीजिए। बहुत ही जल्द दमे का रोग ठीक हो जाता है और सांस से संबंधित अगर कोई और परेशानी है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको किसी भी प्रकार से बुखार की समस्या है, आप इसके लिए करंज के बीज लीजिए, 3 ग्राम की मात्रा में सुबह के समय और शाम के समय पानी के साथ सेवन करिए। अगर किसी भी प्रकार से आपको बुखार की समस्या है तो वह ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें काली खांसी की समस्या है, सूखी खांसी की समस्या है या किसी और प्रकार से किसी तरह से आपको खांसी की परेशानी है, आप इसके लिए 2 ग्राम करंजन के बीज का चूर्ण ले लीजिए, उसको सुबह शाम चाटिए आप। इसके आपको 2 दिन में ही किसी भी प्रकार से की खांसी आपको तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें बालों के रोग है, जिनको गंजेपन की समस्या है, जिनके बाल झड़ते हैं, बालों में रूसी रहती है, आप इसके लिए करंज के फूलों का अच्छी तरह से पेस्ट बना ले पानी में घिसकर और उस पेस्ट को सिर पर रात को सोते समय लगाइए। सुबह को उठने के बाद थोड़े पानी में और नींबू का रस जरूर डाल लें उसमें थोड़ा सा, और उस पानी से आप अपने सिर को धोएंगे तो गंजेपन की समस्या दूर हो जाएगी और जो बाल झड़ते हैं वह भी परेशानी दूर हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिन महिलाओं को बाजपन की समस्या है, आप इसके लिए सफ़ेद करंज की जड़ लीजिए, ताज़ी जड़ होनी चाहिए वो, उसे अच्छी तरह से दूध में घिसकर और उस समय से लेना है आपको 2 ग्राम की मात्रा में, जब मासिक धर्म का 4th दिन शुरू हो जाए तो प्रतिदिन 2 ग्राम की मात्रा में आप उसका सेवन करिए। इससे गर्भवती होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अगला उपाय उनके लिए जिनका जिगर बढ़ गया है या जिगर में किसी तरह से कोई और भी परेशानी है, आप इसके लिए करंज की जड़ लीजिए, 60 से 70 ग्राम की मात्रा में आप उसका काढ़ा बना लीजिए। सुबह के समय नाश्ते से पहले आप उसका सेवन करें। जिगर आपका बढ़ा हुआ है तो वह संतुलित हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर जिगर में किसी तरह की और भी कोई परेशानी है तो वह भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें पकासे की समस्या है या शरीर पर किसी भी प्रकार से कोई भी जख्म है, तो आप इसके लिए करंज की जड़ का रस लीजिए, 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इसका सेवन करिए। कपासे की समस्या भी दूर हो जाती है। अगर शरीर पर किसी भी प्रकार से कोई जख्म है तो वह भी ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिनके शरीर पर जहरीले घाव बने हुए हैं, बदबूदार घाव हैं, पुराने घाव हैं और बहुत बड़े घाव हैं, वे आप इसके लिए करंज का तेल लीजिए, उस तेल को घाव पर लगाइए, उसके ऊपर पट्टी बांध दीजिए,
कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से घाव ठीक हो जाएंगे, बदबूदार घाव भी ठीक हो जाएंगे और आपको बहुत आराम मिलेगा। त्वचा पे जो निशान बने होते हैं वे भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए जो गठिया रोग से बहुत परेशान है, आप इसके लिए करंज के बीजों का तेल लीजिए, उस तेल से जोड़ों पे मालिश करिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। गठिया रोग में तो ये बहुत ही उपयोगी है और आप इसका इस्तेमाल करिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें त्वचा से संबंधित रोग हैं, खुजली है, जखम है, कोढ़ की परेशानी है या त्वचा पे किसी और प्रकार की परेशानी है, आप इसके लिए करंज का तेल लीजिए, दिन में दो बार मालिश करिए, सुबह के समय और शाम के समय। इससे जितने भी हमने आपको ये रोग बताएं, खुजली के, जखम के, कोढ़ के या किसी भी और प्रकार के कोई भी परेशानी है त्वचा के ऊपर, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और त्वचा सुंदर बन जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिनको दाद की परेशानी है, दाद सिर में हो जाते हैं, शरीर के किसी भी भाग पर हो जाते हैं, तो आप इसके लिए करंज का बीजों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए, दाद को पहले थोड़ा सा नखून से खुजला लें आप, जिससे वो साफ हो जाए, और उसके ऊपर उस तेल को लगाइए आप, दांत कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कोई निशान भी नहीं रहता। दोस्तों, हमने आपको करंज के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।